नमस्कार, आप देख रहे हैं GTH न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, मुझे लगता है जिनकी इंट्रोडक्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साहिबाबाद की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, पूर्ण बहुमत से आपको जिताया, आपको विधायक बनाया, तो अब आप साहिबाबाद की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए संपूर्ण विकास के कार्यों पर हमारा दृष्टि है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जो काम कर रही है, उसमें 24 घंटे बिजली देने का काम हमने किया है और बिजली का में सुधार शुरू हो गया है। गड्ढा मुक्त सड़कों का कार्य चल रहा है। बच्चियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से वो दिक्कतें दूर की गई हैं। अब जहाँ तक विकास कार्यों का प्रश्न है, अभी मेट्रो का जो फेज बस अड्डे तक जाने वाला है, उसको तेज़ी से चलाने का कार्य हम कर रहे हैं। वैशाली से मोहन नगर तक इस मेट्रो को लिंक किया जाए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अर्थला में एक रेलवे स्टेशन का हॉल्ट बने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे मोहन नगर जोन को पेयजल की समस्या जो है उसका निस्तारण हो, उसके लिए 3 रेनी वेल करेड़ा में हम लोग बनवा रहे हैं, जिससे मीठे पानी की सप्लाई बढ़ेगी। एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी हम सरकार से प्रयासरत हैं। खोड़ा के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, वहाँ के संपूर्ण विकास की योजनाएं बनाई जाए, इस पर काम कर रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि 15 जून तक जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भर जाएंगे या सड़कें ठीक हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 15 जून तक हो पाएगा? अधिकतम निपट जाएगा, छोटा मोटा कोई बचे से बचे ना, अधिकतम निपट जाएगा। साहिबाबाद में सड़कों काफ़ी बुरी हालत है, नाले जगह जगह भरे हुए हैं, नालों में कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें पशु गिरकर मर जाते हैं, तो उसके लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? नाले आज ही नहीं भरे, 15-20 साल से जो काम नहीं हुआ उसके कारण नाले ब्लॉक हो गए हैं, और हमने नाला सफाई का कार्यक्रम चलवा दिया है। आराधना सिनेमा के आसपास आप देखेंगे, वहाँ कई GCB लगा करके हम नाला साफ करा रहे हैं। जो GT रोड पर पाइपलाइन दबा करके पूरी उसको ब्लॉक कर दिया गया था, उसको भी खुलवाने का हम काम कर रहे हैं, इस पर हमारा काम जारी है। और आपको क्या लगता है कि साहिबाबाद में और अच्छे विद्यालय होने चाहिए, सरकारी विद्यालय या कॉलेज? बिल्कुल होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इंटर कॉलेज स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, इस पर हमारी मांग है, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। और फीस वृद्धि का मुद्दा बार बार सामने उठ कर आता है, उसके लिए भाजपा सरकार की क्या नीति रहेगी? उस पर सरकार कानून ला रही है, जल्दी रेगुलेटरी बिल लाएंगे और इस पर काम करेंगे। अक्सर विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए योगी सरकार की क्या नीति रहेगी कि जिससे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? देखिएगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। कुछ अधिकारी अभी पुरानी मानसिकता के टिके हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से आज लड़कियों को स्कूल जाने में सुविधा हो रही है। एंटी भूमाफिया स्क्वाड ने अपना काम शुरू कर दिया है, सरकारी ज़मीन खाली कराई जा रही है, और जो क्रिमिनल्स हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर के प्रदेश की फिजा बिगाड़ने के लिए दूसरे उद्देश्य से इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सब पर नकेल कसी जाएगी और अपराध कम हुआ है और हम इसको और कम करेंगे। मोदी सरकार को सत्ता में आए 3 साल हो गए हैं और योगी सरकार को भी सत्ता में आए लगभग 3 महीने होने वाले हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी उपलब्धियाँ बताएँ जिससे देश में नहीं विदेश में भी मोदी सरकार का डंका बजा हो। मोदी सरकार का डंका तो पूरी दुनिया में बज ही रहा है, मेरे बताने से सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है, पूरी दुनिया उनका डंका मान रही है। और पूरे देश में उन्होंने जो काले धन को दबाया हुआ पैसा था, तिजोरियों में बंद था, उसको बैंकों में ले आए और पैसा सर्कुलेशन में आ रहा है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने नकेल कसी है और गरीब मजदूर किसान बेरोजगारों के लिए उन्होंने काम किया है। स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, वो तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं लगाऊं तो मुझे 1.25 घंटा चाहिए बताने के लिए जो जितने काम मोदी जी ने किए। और हिंडन नदी की अगर बात की जाए तो हिंडन नदी बहुत ही नदी कम नाला ज़्यादा हो गई है, तो उसकी सफाई के लिए क्या नीति रहेगी? नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना जो चलाई है, उनकी सहायक नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करने का होगा, उसमें हिंडन भी शामिल है। और महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाएं काफ़ी घबराती हैं रात को बाहर निकलने से, और एसिड अटैक, रेप जैसी घटनाएं सामने आती हैं। हर रोज़ हम सुनते हैं कि कभी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई या रेप की घटना हुई, तो उसके लिए क्या नीति रहेगी कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें? देखिएगा,
अभी तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद थे। उसी बिगड़ी हुई आदत के कारण कुछ अभी भी हरकतें हो रही हैं, लेकिन अब अगर कहीं इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो तत्काल उस पर पुलिस कार्रवाई करती है और वो अपराधी जेल में जाते हैं, जेल में बंद होते हैं। जैसे जैसे अपराधियों को एहसास हो जाएगा कि आप क्राइम करोगे तो बच नहीं पाओगे, तो क्राइम स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और कुछ दिन पहले हमने खबर देखी कि केरला में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या कुछ नेता थे, उन्होंने गाय को काट कर जो है रमादान की और रोज़े की शुरुआत करी, उस पर आप क्या मतलब प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये कांग्रेस का असली चरित्र है जो पूरे देश के सामने आया। कांग्रेस सदैव हिंदू विरोधी रही है, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उनकी भावनाओं को के ऊपर कुटाराघात करना, ये कांग्रेस की नीति है और वो साफ सबको दिख रहा है। साहिबाबाद को विकास की ओर ले जाने के लिए क्या नीति रहेगी आगे आपकी? विकास की तरफ ही ले जाएंगे, विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और साहिबाबाद में मैंने बताया कि मोहन नगर जोन में पेयजल हम दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं, इधर एक कॉलेज खुले, स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, ये हम प्रयास कर रहे हैं। खोड़ा का संपूर्ण विकास हो उसके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। तो साहिबाबाद क्षेत्र में स्कूलों का हम जरा प्राइमरी स्कूलों का भी स्टैंडर्ड ऊँचा उठाएंगे, तो इस सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हम लोग। कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए योगी सरकार ने विश्राम स्थल का शिलान्यास किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यह शुभ कार्य मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किया है। और अगर हम बात करें साहिबाबाद में अभी भी काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं बिजली की, लाइटों की, स्ट्रीट लाइट की, तो उससे निपटने के लिए क्या नीति रहेगी? देखिएगा, स्ट्रीट लाइट का काम एलईडी लगाने का चल रहा है, गति अभी तेज़ नहीं है, मेयर साहब ने उनको टाइट किया है और तीव्र गति से वो लगाएंगे। 60,000 खंभों पर एलईडी लगाई जाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और काम शुरू हो गया। बिजली की व्यवस्था पहले से बहुत ठीक हो चुकी है और बिजली अब बहुत कम जा रही है, ना के बराबर, वो भी पावर लोड के कारण कई बार स्थिति हो जाती है, उसके लिए भी नए नए बिजली घर हम लगवा रहे हैं और ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 24 घंटे और बिना किसी पावर कट के बिजली मिलेगी। हाल ही में मोदी सरकार ने अभी लाल बत्ती को लेकर फैसला किया, तो उससे क्या लगता है कि लाल बत्ती हटाने से क्या सच में VIP कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि इस पर फ़र्क नहीं पड़ा क्या? एक लाल बत्ती लगा करके हुट 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 करते चलते थे मंत्री लोग, तो जनता को अच्छा नहीं लगता था। मोदी जी ने उस संस्कृति को ख़त्म किया। मोदी जी चूँकि ज़मीन से उठ करके नेता बने हो, किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए, कांग्रेस में तो अध्यक्ष और नेता जो है एक घर एक परिवार में पैदा होता है। मोदी जी ने तो आम आदमी का कष्ट देखा, तो इसलिए VIP कल्चर देश से समाप्त किए उन्होंने, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग, उनकी मानसिकता इससे स्पष्ट हो रही है। और EVM पर काफ़ी सवाल उठाए गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, कि BJP ने उससे छेड़खानी करी तभी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सवाल उठा रहे थे वो खुद EVM मशीन से जीत करके सरकार में आए भारी बहुमत के साथ, पहले वो बताएं क्या उन्होंने छेड़छाड़ करी थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद हमने देखा दिल्ली MCD चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला, तो क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिएगा, अभी पूरे देश हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी का शासन होना है, क्योंकि देश की जनता को जो 60 साल तक ठगा गया वो जनता ने अच्छी तरह से महसूस किया है, और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरे देश को विश्वास है। MCD हो, उत्तर प्रदेश निकाय हो या दूसरी जगह हो, अब हम दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी ही सरकारें बनेंगी, और पूरा देश अच्छी तरह से समझ रहा है कि राष्ट्र को अगर सही दिशा में कोई ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से विकास कार्यों में लगे रहें और साहिबाबाद को एक बेहतर जगह का बनाएं आप। GTH News, आपकी ताकत।